नीति नहीं है, अनीति है। मैं कहता हूँ कि नीति और नियत का प्रचंड फर्क है नई शिक्षा नीति में। जो कॉलेज मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, मानक विद इन कोर्ट में कह रहा हूँ, उनको मर्ज कर दिया जाएगा ए और बी टाइप में, और जिनको मर्ज किया जाएगा उनको सार्वजनिक संसाधन के रूप में, जैसे वयस्क शिक्षा, जैसे शौचालय, ये उसमें वो तब्दील करेंगे। नई शिक्षा नीति जो 2020 की है वो 32 तक का रोड मैप है, और आपको बताएं कि इस 32 तक में यह शिक्षा नीति 1/4 इंस्टीट्यूशन को बंद करने की योजना है। कि जिस प्रकार से अभी अपूर्वानंद जी ने कहा कि किसानों से खेती छीनने के लिए कृषि नीति बनाई गई थी, और आपसे, आप विद्यार्थियों से शिक्षा छीनने के लिए ये नई शिक्षा नीति है, और आम विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं देने की, कुल मिलाकर के कहें तो शिक्षा का जो दायित्व है, सरकार उस दायित्व से मुक्ति का यह मसौदा है। पूरी शिक्षा नीति को अगर आप देख लें, और जो कुछ भी कहें, कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं शिक्षा नीति ने। मैं एक आध रिकॉर्ड की बात आपको कहता हूं, दुनिया भर की कोई भी शिक्षा नीति हो, उस शिक्षा नीति में यह बात नहीं कही गई होगी कि हमारा जो अगला रोड मैप है, इतने वर्षों में हम इंस्टीट्यूशन इतना कम कर देंगे। कोई भी नीति होती है वो कहती है कि हम इतने ज्यादा कॉलेज खोलेंगे, हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। नई शिक्षा नीति जो 2020 की है वो 32 तक का रोड मैप है, और आपको बताएं कि इस 32 तक में यह शिक्षा नीति 1/4 इंस्टीट्यूशन को बंद करने की योजना है। आज की तारीख में 50,000 कॉलेज विश्वविद्यालय मिला करके हैं, और ये जो बांट रहे हैं हायर एजुकेशन को ए बी और सी ग्रेड में, ए को इन्होंने शोध विश्वविद्यालय कहा है, बी को इन्होंने शिक्षण विश्वविद्यालय कहा है, और सी को ये कॉलेज बोलते हैं, जैसे कॉलेज शिक्षण हो ही नहीं, और कहा कि शोध विश्वविद्यालय 100 से 300 होंगे, मतलब मिनिमम 100 मैक्सिमम 300, और जो शिक्षण विश्वविद्यालय हैं वो 1,000 से 2,000 होंगे, और जो कॉलेज हैं वो 5,000 से 10,000 होंगे। यानी कि टोटल को आप जोड़ दें, मैक्सिमम को जोड़ें, तो वो 12,300 होता है। आज की तारीख में 50,000 हैं, यानी कि 32 तक ये विश्वविद्यालय कॉलेज को मर्ज करके, घटा करके 12,300 करेंगे, और उनकी योजना है कि इस 32 तक में दुगुने विद्यार्थी को लेना, यानी आज की तारीख में जितने स्टूडेंट हैं उसके दुगुने विद्यार्थी 1/4 इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। क्या हालत बनेगी विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की? और कहा है कि जो कॉलेज मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, मानक विद इन कोर्ट में कह रहा हूं, उनको मर्ज कर दिया जाएगा ए और बी टाइप में, और जिनको मर्ज किया जाएगा उनको सार्वजनिक संसाधन के रूप में, जैसे वयस्क शिक्षा, जैसे शौचालय, ये उसमें वो तब्दील करेंगे। तो ये स्थिति हायर एजुकेशन की है। अब स्कूल एजुकेशन के बारे में देखें, आप जानते हैं कि लगातार स्कूल्स बंद हो रहे हैं। बंद होना अपनी जगह पे है, वो तो भयानक है ही, एक भयानक बात इसमें ये है कि ये हमारे, इनकी निगाह जो है वो पूरे देश के स्कूल के संसाधन पर है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनके पास बहुत जमीन है, बड़े बड़े भवन हैं, भले ही वो मेंटेन हो या ना हो। हमारे मधुबनी में वाटसन स्कूल, बड़ा सा कैंपस है, उसके आधे को सरकार को दे दिया गया है, और उसमें वो ऑल इंडिया बैडमिंटन कुछ स्पोर्ट्स क्लब खोलेंगे वो। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है कि जो स्कूल्स हैं उसके संसाधन नियरेस्ट उस शहर के प्राइवेट स्कूल को दिए जाएंगे। न सिर्फ संसाधन बल्कि ह्यूमन रिसोर्स संसाधन भी, शिक्षक भी, प्लेग्राउंड भी, प्रयोगशाला भी, ये सारी चीजें आधे समय में अपना स्कूल चलेंगे, और आधे में हायर करेंगे, भाड़े पर दे देंगे वो प्राइवेट स्कूल को।
अब आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल का टाई लगाया हुआ, अच्छे कपड़े लगते पहने हुए, जब उसमें खेलने आएंगे, जब प्रयोगशाला में आएंगे, तो जो सरकारी स्कूल के बच्चे तो वैसे ही साइड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे कई स्तरों पर, एक स्तरों पर बंद करने के लिए, और बंद करने की जो इनकी साइकोलॉजी है, जो लॉजिक है, वो अद्भुत, वो लॉजिक जरा समझें। कहते हैं कि जहां बच्चे कम हैं उस स्कूल को हम बंद कर देंगे। भैया भारत जो देश की जो ज्योग्राफी है उसमें कम ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ पहाड़ हैं, हमारे यहाँ बालू है, जंगल है, वहां स्वाभाविक है कि कम बच्चे होंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जहां कम बच्चे हैं वहां हम बच्चे को लाएं। कोशिश हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि जहां बच्चे कम हैं उस स्कूल को हम बंद कर दें। पूरी योजना बनी हुई है, और गुजरात हो कि झारखंड हो, बिहार का हवाला भी साथी ने दिया, हजारों के पैमाने पर स्कूल बंद हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, और जो नहीं होंगे उसके लिए संसाधन भाड़े पर देने की व्यवस्था हो गई है। सही कहा अपूर्वानंद जी ने कि नीति नहीं है, अनीति है। मैं कहता हूं कि नीति और नियत का प्रचंड फर्क है नई शिक्षा नीति में, अगर आप दोनों को अलग करके देखें। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति जो बनी जाकिर हुसैन के टाइम से लेकर के अभी तक के शिक्षा नीति की जितनी अच्छी बातें हैं सबको उसमें डाल दिया गया, लेकिन वो डाला कहां गया है? होना चाहिए ये, होना चाहिए वो, होना चाहिए, लेकिन आप जब उसको ठीक से पढ़ेंगे कि क्या करेंगे उसमें, यही सब करेंगे, एक तिहाई कॉलेज कर देंगे। ये लोकतंत्र की बात मैं आपको बताऊं कि कम से कम 50 जगह की लोकतांत्रिक शिक्षा होगी। और नियत क्या है कि आदमी बोलने वाले का भी, यहां हमारे बीच कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको बोलने के लिए जिन पर कार्रवाई हुई है, ये हमारे सरकार की नियत है। और नीति आप वहां देखेंगे, यहां तक कि उसमें लिखा हुआ है कि हम वैज्ञानिक टेम्परामेंट की शिक्षा देंगे, और यह भी लिखा है कि साइंस में ही नहीं देंगे बल्कि हम सोशल साइंस में, साहित्य में भी हम साइंस वैज्ञानिक प्रवृत्ति की शिक्षा देंगे। और हम आप जानते हैं कि सरकार कितनी वैज्ञानिक रूप से सोचती है। जिस समय ये ड्राफ्ट पास हो रहा था एन वक्त उसी दिन शिक्षा मंत्री एक IIT में जाकर के बोल रहे थे कि आप लोग शोध क्या करते हैं, आप लोगों को राम सेतु पर जाकर शोध करना चाहिए। ये हमारा टेम्परामेंट है। कोई कहता है जाकर के कि जो सूर है वो सर्जरी का केस है, कोई नारद को बता रहा है कि मीडिया का हमारा वहां शुरू है। इस तरह के सोच वाले जब शिक्षा बनाएंगे और कहेंगे कि हम वैज्ञानिक शिक्षा देंगे तो ये पाखंड है, ये छलावा है, ये ढोंग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस छलावे के खिलाफ आज आप जमा हुए हैं, और इसी तरह से अगर चलता रहा पूरे देश में ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये शिक्षा नीति सरकार के दायित्व मुक्ति का पत्र है ये, और पूरे देश के युवाओं को एकत्रित होना चाहिए और ऐसी स्थिति कायम होनी चाहिए कि या तो ये सरकार जाए या ये शिक्षा नीति जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।